अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफरोज, तेज न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ईदगाह बसर कल्याण पर ईद की नमाज की इजाज़त न मिलने पर जनाब सरदार खान नायब सदर ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने एक वजाहती बयान जारी किया। नायब सदर ईदगाह कमेटी की जानिब से एक वजाहती बयान दे रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, सदर ईदगाह जनाब अली मंजूम एडवोकेट हमारे दरमियान में नहीं रहे, अल्लाह इनके कामों को कबूल फरमाए और इनकी मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बाज़ हलकों से ये बात गश्त कर रही है कि ईदगाह कमेटी की जानिब से ईदगाह पर नमाज के लिए सही नुमाइंदगी नहीं हुई। मैं इसी बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ईदगाह कमेटी ईदगाह पर नमाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि ईदगाह की सफाई, चूना वगैरह और तमाम तरह के इंतजाम सब हो चुके थे और हमें उम्मीद भी थी कि वक्फ से नमाज की इजाज़त मिलेगी। लेकिन जैसे ही हुकूमत की जानिब से सर्कुलर जारी हुआ जिसमें ईद की नमाज ईदगाह पर पढ़ने की पाबंदी है, तो फौरन ईदगाह कमेटी का वफद ईदगाह पर नमाज की इजाज़त के लिए एक मेमोरेंडम तैयार करके असिस्टेंट कमिश्नर और तालुका मैजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार साहिबा बसों कल्याण से रुजू हुए और गुजारिश की कि हमारा ईदगाह रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा है, हम लोग यहाँ डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज अदा करेंगे। लेकिन वो एक मीटिंग रखने की बात किए और 23 में 7:30 बजे ईदगाह कमेटी को मीटिंग के लिए सर्कल ऑफिस बुलाया गया, जो तालुका मैजिस्ट्रेट तहसीलदार साहिबा की निगरानी में थी। हम कमेटी के मेंबरान और कुछ सियासी व समाजी शख्सियतें जमा होकर पहुँचे, उम्मीद थी कि कोई बात बने। मीटिंग शुरू हुई, हमारे PSI बसों कल्याण ने सर्कुलर पढ़कर सुनाया कि COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत किसी भी मजहबी प्रोग्राम्स की और ईदगाह पर नमाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर सर्कल साहब ने भी कोरोना वायरस के बारे में बताते हुए ये बात कही कि 23 तारीख की सुबह से कर्फ्यू का ऐलान करने की बात कही और इस पर तहसीलदार मैडम ने सामाइन में से बोलने की इजाज़त भी दी। तो हमारे सियासी और समाजी कायदीन ने ईद के मौके पर ख़रीदारी के लिए इतवार के दिन 5 बजे से रात 10 बजे तक का वक्त मांगा। बहरहाल इस पर एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हुआ और ईद की ख़रीदारी के लिए कुछ दुकानें खोलने की मशरूत इजाज़त भी दी। आखिर में तालुका मैजिस्ट्रेट तहसीलदार साहिबा ने ऐलान किया कि इस कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत किसी भी मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त नहीं दे सकती। लिहाजा हम बड़े दुख के साथ बिरादरान मिल्लत को इतला दे रहे हैं कि ईदुल्फितर की नमाज ईदगाह पर इमसाल नहीं होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि हुकूमत की इजाज़त के हिसाब से अपने अपने महलों की मसाजिद में और अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम। बसवा कल्याण में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको 50 रुपये पेनल्टी लगाई जा रही है और उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। अवाम को चाहिए कि अपने चेहरों पर मास्क ज़रूर लगाएं ताकि कोरोना वायरस से रोकथाम हो सके। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।